तो कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही टहल रहा था और तभी मेरे फोन की घंटी बजी। ये वाली नहीं, नोटिफिकेशन वाली। हाँ, मैंने जैसे मैसेज खोला उसमें लिखा था 12th का रिजल्ट कल आने वाला है। क्या 12th का रिजल्ट कल आने वाला है? लेकिन यार, पिछले 2-3 दिनों से ऐसी बहुत सी अफवाहें फैल रही है, लेकिन जब वही मैसेजेस और वही स्क्रीनशॉट्स बार बार आने लगे तो मुझे यकीन हुआ कि 12th के रिजल्ट कल आने वाला है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पुष्कराज और आपका स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो काफ़ी स्पेशल होने वाला है और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको मेरा 12th का रिजल्ट। तो कुछ दिन पहले मेरा 12th का रिजल्ट आया, तो मेरे घर पे जो है इतना मतलब ज़्यादा टेंशन वाला माहौल नहीं था, लेकिन कुछ घर पे ऐसा माहौल होता है कि मतलब 12th का रिजल्ट आने वाला है, 12th का रिजल्ट आने वाला है। मतलब कोई ऐसे घर पे मर गए एकदम ऐसे शांति, ऐसे ऐसे मतलब एकदम टेंशन में सारे लोग होते हैं, लेकिन बस मेरे घर पे इतना ज़्यादा उसका टेंशन नहीं था। तो चलते हैं 2 दिन पीछे, जाते हैं हमारे टाइम मशीन में और मिलता है ओल्ड पुष्कर से। सही है, चलो। ऑलराइट, सो 5 मिनट है रिजल्ट लगने के लिए। 12th का रिजल्ट लगने वाला है, जो भी साल भर में किया है वो उसका जो कुछ भी आउटपुट है वो दिखने वाला है। और हमें हमें कोई मतलब चिंता है नहीं, हम ऐसे मज़े में जी रहे हैं, हमें कोई टेंशन है नहीं, क्योंकि हमें पता है पेपर में जो लिखा है उसी से कुछ जो मार्क्स है वो आने वाला है, तो इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन है नहीं। झूठ बोल रहा हूँ मैं, मतलब समझ में नहीं आ रहा अभी हंसू या रोऊं, मतलब क्या करे, ऐसे दिल धड़क रहा है, ऐसे अभी बाहर आ जाएगा दिल, समझ रहे हो। 1 बजे रिजल्ट आने वाला है और अभी लाइट चली गई थी, मुझे लगा कि खैर सही है लाइट चली गई है, अब मतलब बहुत देर तक लाइट ना आए, लेकिन 5 मिनट बाकी रिजल्ट के लिए और लाइट आ गई। खैर चलो देखते रिजल्ट क्या आता है। चलो तो मुझे 12th में मिले हैं टोटल 61%। आई नो 61% कम है, लेकिन इस साल जो है सब लोगों का रिजल्ट थोड़ा कम आया है। जो 80% पे जाने वाले लोग थे वो तकरीबन 70% पे आए हैं, और मैंने भी 70-75 एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन मुझे मिले हैं 61%। और मैं आपको कुछ न्यूज़पेपर की स्क्रीनशॉट्स दिखा देता हूँ जिसमें बताया गया है कि इस साल जो है परसेंटेज काफ़ी कम आया है कंपेयर टू पिछले 5 साल, तो देख लो। और हाँ, मैं डिस्क्रिप्शन में न्यूज़पेपर के लिंक भी डाल दूँगा। और हाँ, अगर आपको मेरा डिटेल रिजल्ट देखना है तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ @hepushkar, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, और जा ही रहे हो तो फॉलो भी कर लो यार, सही है। तो यार देखो, घर पे बैठ बैठ के मैं हो गया हूँ बोर, तो अब चलते हैं टेरेस पे। सही है, सही है भैया, सही है।
खैर टेरेस पे जो है काफ़ी हवा थी, इसलिए हम आपसे हमारी दिल की बातें बयां नहीं कर पा रहे थे, लेकिन कोई बात नहीं, हम आ गए हैं वापस घर पे और यहाँ पे हम आपको कुछ बातें बताते हैं। तो यार देखो, 12th और 10th, ये जो दो स्टैंडर्ड्स है, ये हमारे लाइफ में मतलब काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 10th और 12th के बाद हमारा लाइफ मतलब ख़त्म ही हो जाता है अगर इसमें अच्छे परसेंटेज नहीं आते हैं हमें। तो ज़्यादा टेंशन मत लो, और कुछ लोग मतलब इतना ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं कि मतलब सुसाइड करते हैं, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल मत करो। आपके लिए जो आपके माँ बाप, आपके टीचर्स जो मेहनत कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ो। और अगर आपको 12th में कम मार्क्स आए, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप आगे ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको एकेडमिक्स में बहुत कम मार्क्स मिलते थे, वो फेल भी हो चुके हैं। जब उन्हें ऐसे मार्क्स मिलते थे, तब लोग कहते थे कि इसका ज़िंदगी में आगे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा आगे बढ़ाया है और इतना ज़्यादा बड़ा किया है कि आज पूरी दुनिया उन लोगों को जानती है। आपको जो चीज़ पसंद है, उसी चीज़ में आगे आपका करियर बनाओ। तो बस यार, ये वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। आई होप कि आपको ये वीडियो आ गया होगा पसंद। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो इस वीडियो पे कर दो लाइक, शेयर, कमेंट, और जाते जाते चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।